ईशान होगा खुद पर ही गिल्टी, समझ में आने वाली है उसे सभी की सारी सिचुएशन कि आखिर सभी अपने घर से भागकर क्यों आई थी। इसके बाद ईशान का जो नजरिया है वो भी बदलने वाला है और इसमें शांतनु जो है वो भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जैसे कि आपको बता दें, शांतनु जो है वो कहीं ना कहीं ईशान को इस बात का एहसास दिलाएगा कि ईशान जो है वो सभी के साथ गलत कर रहा है, उसके करियर के साथ खेल रहा है। ये चीजें सुनने के बाद ईशान की आंखों में आंसू आने वाले हैं और वहीं दूसरी तरफ सभी जो है हरिणी के ससुराल पहुंचने वाली है, जहां पर उसको बहुत बुरी बेइज्जती मिलेगी। लेकिन फिर भी सभी जो है हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती है बिल्कुल अपनी आई की तरह। हालांकि हरिणी उसका पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सीरियल के आने वाले ट्रैक में और क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। पर अगर हम आज के एपिसोड की बात करें तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा कि ईशान जो है अपने घर पहुंचता है, जहां पर पूरा भोसले परिवार इकट्ठा होता है और शांतनु को जहां सबके सब सुना रहे होते हैं, तो शांतनु जो है वो भी भाई सुरेखा और राउत साहब को जवाब देता है। वो उन्हें कहता है कि एक लड़की के लिए उसके सपने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आप लोगों ने ईशा के साथ क्या किया था, ईशा को सपनों और घर में से किसी एक को चुनने के लिए कह दिया था, आप लोगों ने सच में ईशा के साथ बहुत गलत किया है। और ये बात ईशान के मन में भी गलत फहमी बनकर बैठ चुकी है, क्योंकि जिस तरह वो ईशा की वजह से दूसरों से नफरत करता है, बेचारी सभी को इतना सुना रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आप सबकी वजह से ही ईशान के मन में आज इतनी करवाहट भर चुकी है। राउत साहब जो है वो भी ये सारी बातें सुनकर शांति से खड़े होते हैं और सुरेखा जो है उसके मुंह पर भी मानो जैसे पट्टी बंध गई हो। वहीं आप देख सकते हैं ईशान ये सारी बातें सुनता है तो भाई वो फिर आता है और कहता है कि बाबा आपको लगता है कि मैं इन सब की वजह से ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो रीवा को भी नहीं रोका और मेरा नजरिया बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। लेकिन सभी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब सभी मेरे पास आई थी तो वो दुल्हन के जोड़े में थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी का दिल तोड़ के, किसी का घर तोड़ कर, किसी की खुशियाँ छीन कर आई है और ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। ये मुझे मेरी आई की याद दिलाती है, जिसकी वजह से मैं सभी का एडमिशन नहीं करना चाहता हूँ। इन सब के बाद शांतनु भी बेचारा चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी जो है हरिणी के ससुराल पहुँचती है, जहाँ उसकी सास उसे ताना देना शुरू कर देती है। लेकिन आप सभी को भी जानते हैं, सभी जो है हरिणी के सास को अच्छे से हैंडल कर लेती है। वहीं पर हरिणी का हस्बैंड भी खड़ा होता है, वो बेचारा भी चुपचाप खड़ा होता है, कुछ बोलता ही नहीं है। अब भाई हरिणी के सास ने कह दिया है कि सभी किचन में रहेगी, जहाँ हरिणी परेशान हो जाती है इन बातों से। लेकिन आप देखेंगे किस तरह सभी जो है इन सब पर भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। सभी किचन में जाती है और हरिणी से कहती है, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर भी सब कुछ मैनेज कर लूंगी, क्योंकि जब मैं कल को आईएएस बनूंगी और स्पीच दूंगी तो सब के सब बहुत खुश हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।